आज का प्रोग्राम औलिया अल्लाह हज़रत सुल्तान सैयदना बाबा हैदर सफदर औलिया कलंदर हुसैनी सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर तआरुफ पर मुश्तमिल है। आपका असल नाम सैयदना हज़रत सैयद इस्माइल बादशाह अलमरूफ़ बाहज़रत सुल्तान सैयदना बाबा हैदर सफदर औलिया कलंदर हुसैनी सहरवर्दी है। आप सूफियाए हिंद के उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने उस खित्ते में दीन इस्लाम के फ़ुरोग़ और सरबलंदी के लिए एक अहम किरदार अदा किया। ये आप ही का फ़ैज़ था कि उस इलाक़े में बेशुमार गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया और कुफ्र ज़ुल्म की आंधियों से बचकर दीन इस्लाम की आगोश में आ गए, जहां अमन है, सलामती है और दुनिया व आखिरत दोनों की भलाई है। हज़रत सुल्तान सैयदना बाबा हैदर सफदर औलिया कलंदर हुसैनी सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह मुल्क ईरान के कस्बा साबुनात के बादशाह थे। विलादत के वक्त आपका नाम सैयद इस्माइल रखा गया, जिसकी वजह से आपको सैयद इस्माइल बादशाह भी कहते हैं, मगर आपका लक़ब हज़रत बाबा हैदर सफदर इस क़दर मशहूर हुआ कि लोग आपको आपके असल नाम के बजाय आपके लक़ब से ज़्यादा जानते हैं। हज़रत सुल्तान सैयदना बाबा हैदर सफदर औलिया कलंदर हुसैनी सहरवर्दी सादात इकराम में से हैं और बहुत हसीन व जमील और नहायत खूबसूरत थे। आप हिंदुस्तान में सूबा कर्नाटक ज़िला कोलार शहर मुलबागल में आराम फरमा हैं। राह खुदा में सल्तनत से सबकदोश होकर फ़कीरी इख्तियार की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैलाने वाले इंसानियत के अजीम रहबरों आले नबी औलाद अली आपके मुर्शिद बादशाह हिंद ताजदार अवलिया हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ताजुल वारिसीन मौलाना सुल्तान बाबा नतहर सरमस्त तबला आलम बादशाह ढोल समंदर अलमरूफ दादा हयात मीर कलंदर हुसैनी सहरवर्दी कद्दसल्लाहु सिरहुल अज़ीज़ शहनशाह इस्तंबुल जिनकी बारगाह अक़दस मुल्क हिंदुस्तान सूबा तमिलनाडु शहर तिरुचनापल्ली में मौजूद है। आपका दरबार तकरीबन 1018 साल पुराना है, जहां कलंदरों की धूम रहती है और उनकी ज़ुबान पर हर वक्त ये विर्द रहता है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप रहमतुल्लाहि अलैहि का उर्स शरीफ 13-14 रमज़ानुल मुबारक को बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मनाया जाता है। हज़रत सुल्तान सैयदना बाबा हैदर सफदर औलिया कलंदर हुसैनी सहरवर्दी रहमतुल्लाहि अलैहि का सिलसिला आलिया आपके मुर्शिद बादशाह हिंद ताजदार औलिया हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ताजुल वारिसीन मौलाना सुल्तान बाबा नतहर सरमस्त तबला आलम बादशाह ढोल समंदर अलमरूफ़ दादा हयात मीर कलंदर हुसैनी सहरवर्दी कद्दसल्लाहु सिरहुल अज़ीज़ शहनशाह इस्तंबुल से होते हुए हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल से जा मिलता है। आपकी बारगाह अक़दस में दो अजीम हस्तियां मौजूद हैं, जिनमें से आपके बाईं जानिब हज़रत सुल्तान सैयदना हाजी मक्की कलंदर हुसैनी सहरवर्दी कद्दसल्लाहु सिरहुल अज़ीज़ आराम फरमा है और दूसरी जानिब हज़रत सुल्तान
सैयदना सैयद फतेहुल्ला शहीद कलंदर हुसैनी सहरवर्दी रहमतुल्लाही अलैह आराम फरमा है। जब आप रहमतुल्लाही अलैह मुलबागल तशरीफ़ लाए तो लोगों ने उस मर्द कलंदर का दीवानावार इस्तकबाल किया। मुलबागल शरीफ कर्नाटक का एक कदीम शहर है। ये जगह आपको भी बहुत पसंद आई। वैसे भी आपके मुर्शिद के हुक्म के तहत मुस्तकिलन आपको यहीं क़याम करना था, चुनांचे उसको आपने अपना मुस्तकिल क़याम गाह बना लिया। आपकी मुसलसल कोशिशों और काविशों से जल्द ही इस्लाम का पैगाम हर तरफ फैलने लगा। आपने बरसों पहले मखलूक़ खुदा की इस्लाह का फरीज़ा नहायत जान फिशानी से अंजाम दिया। आप हज़रत बाबा हैदर सफदर औलिया रहमतुल्लाही अलैह सैफुल लिसान थे। आप जो कुछ ज़ुबान मुबारक से अदा फरमाते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा फरमा देता। आपकी ज़ुबान से निकली हुई हर बात, हर दुआ और हर फरमाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी फरमाता। आप तसव्वुफ़ और तरीक़त के मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा तरीन मसाइल को बड़ी खुश असलूबी से हल फरमाते। इसीलिए आपके बारगाह को बारगाह तरीक़त भी कहा जाता है। हज़रत बाबा हैदर सफदर रहमतुल्लाही अलैह मादरजाद वली थे। मुलबागल शरीफ में आपकी कई करामात का ज़ुहूर हुआ कि लोग आपके गिर्दा हो गए। आपके हुस्न अखलाक, शीरी बयानी और सहरंगेज़ शख्सियत ने लोगों को मशहूर करके रख दिया और वो अपने आबाद के मज़हब को छोड़कर जोक दर जोक मज़हब इस्लाम में दाखिल होने लगे। क्या तेरी नजर है दर वली? तेरी नजर है? मुलबागल की सरजमीन पर हज़रत बाबा हैदर सफदर रहमतुल्लाही अलैह ने कभी ना ख़त्म होने वाले नकूस छोड़े। आपने जिस मोहब्बत व शफ़क़त के साथ लोगों को इस्लाम की दावत दी, ये उन्हीं का फैज़ था कि ज़रा सी देर में हर तरफ इस्लाम के चराग रोशन होने लगे और ज़ुल्मत के अंधेरे छुटने लगे। ये हज़रत बाबा हैदर सफदर रहमतुल्लाही अलैह के जलाए हुए शम्मा थी कि जिसकी वजह से मुलबागल की सरजमीन आज तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदा गूंज रही है। आपकी बारगाह में हज़ारों मुरीदीन और मुअतकिदीन का हुजूम रहता है। जब आपका विसाल हुआ तो हज़रत फ़ख्रुल औलिया ख्वाजा सैयद शाह बाबा फ़ख्रुद्दीन कलंदर बरहक हुसैनी सहरवर्दी रहमतुल्लाही अलैह पेंडगुंडा शरीफ ने तमाम मुरीदों और अहले इस्लाम को साथ लेकर बड़े ही धूमधाम से उर्स शरीफ मनाया और जब से अब तक बंदगाने खुदा को रूहानी फैज़ हासिल हो रहा है। हर साल आपका उर्स शरीफ एकम रजबुल मुरज्जब से लेकर 18 रजबुल मुरज्जब तक चलता है, जिसमें 11 रजबुल मुरज्जब आप रहमतुल्लाही अलैह का संदल शरीफ मनाया जाता है। नबी का वास्ता देकर बशर के गिड़गिड़ाने से बताओ क्या नहीं मिलता वली के आस्ताने से। नमाज़ें अपने माथे पर सजाकर घूमने वालों खुदा भी रूठ जाता है वली का दिल दुखाने से। वमा अलैना इल्लल बलाग सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। त्रिचना पल्ली में शाम मुलबागल में
शहर है, क्या तेरी नजर है दरवली, तेरी नजर है ये, तेरी नजर है दरवली, तेरी नजर है ये, तेरी नजर है दरवली, तेरी नजर है। कैफो सुरूर है, रूहानियत का कैफ